साइकोलॉजी कहती है प्रेमी जोड़े अगर शादी से पहले हम बिस्तर हो जाएं तो 99% संभावना है कि लड़के शादी के लिए इनकार कर देगा। साइकोलॉजी के अनुसार जिस औरत में जितनी संभोग की ज्यादा इच्छा होती है वह उतना ही अपने खूबसूरती का ध्यान रखती है। जो पुरुष जल्दी झड़ जाते हैं उन्हें सेक्स से पहले औरत की योनि को अच्छी तरह से चूसना चाहिए ताकि औरत पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए। ज्यादातर औरत प्रेगनेंसी से बचने के लिए गुदा मैथुन करवाती है ताकि पार्टनर भी नाराज ना हो और प्रेगनेंसी होने का खतरा भी ना हो। मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति आपके सामने स्पष्ट रूप से बोलता है वह आपसे कभी छल नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचता है उसके डिप्रेशन में जाने का खतरा बहुत अधिक होता है। मनोविज्ञान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा डांटता है तो वे अपने आप से नफरत करने लगते हैं। अगर आप पहली बार कहीं नई जगह पर घूमने जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा तरोताजा महसूस करता है और आपके अंदर एक सकारात्मक भाव पैदा होता है। मनोविज्ञान के अनुसार जो लोग कम पढ़ाई करते हैं उन्हें चीजें बहुत जल्दी समझ में आती हैं या बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। अगर कोई लड़का किसी लड़की को देखकर यह फील करता है कि वह उसकी लाइफ में स्पेशल है तो 90% चांस है वह लड़का उस लड़की को पसंद करता है। मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति सफेद कपड़े पहनता है उनका मन बहुत ज्यादा शांत रहता है और उसके विचार हमेशा सकारात्मक रहते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार किसी भी कपल का ब्रेकअप तभी होता है जब उन दोनों में से किसी एक ने भी किसी तीसरे व्यक्ति से सलाह ली हो। मनोविज्ञान कहता है कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड अथवा अपनी पत्नी से कोई बात मनवाना चाहते हैं तो उस बात को कहने से 48 घंटे पहले से आप उनकी ज्यादा देखभाल करना शुरू कर दें क्योंकि इससे 80% चांस बन जाता है कि वह आपकी बात मान जाएगी। यही बात लड़कों पर भी लागू होती है। जब कोई स्त्री आपसे पूछती है कि क्या वह मोटी है तो आप उसे कुछ भी नहीं बताएं क्योंकि वह आपसे केवल नहीं शब्द सुनने के लिए ही पूछती है। जो स्त्री जितनी ज्यादा आकर्षक होगी उनका शरीर उतना ही सेक्सनुमा और कामुक होता है। ऐसी औरत संभोग से बहुत ज्यादा दिलचस्प रखती है। मानव स्वभाव यही है कि वे उन लोगों को नजरअंदाज करने लगते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं और उन पर अधिक ध्यान देते हैं जो उनकी उपेक्षा करते हैं। चरित्रहीन महिलाएं किसी एक पुरुष की कभी नहीं हो सकती है। उनके प्रेमी और उनके साथी उनके जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं। किसी ने सही कहा है, शादी एक जुआ का खेल होता है। जीवन साथी अगर अच्छा हो तो इंसान निखर जाता है और बुरा हो तो बिखर जाता है। औरत दाढ़ी रखने वाले मर्दों की ओर देखते ही आकर्षित हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता है ऐसे मर्द अन्य मर्द से ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। जो औरत शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती है वह औरत अपने पति से शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं होती है और अपने पति के साथ खुश नहीं होती है।